हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त मिलन माझी एक बार फिर से वेलकम करता हूँ माझी मोटो ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो न्यू राइडर है, जो बिगिनर राइडर है, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो मैं सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो है क्लच एंड थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन। जो नया नया बाइक चलाना सीख रहे हैं जो लोग, या फिर इंटरमीडिएट है, कुछ दिनों से बाइक चला रहे हैं, लेकिन क्लच एंड थ्रॉटल का जो कॉम्बिनेशन है वो सही तरीके से कर नहीं पाते, कब कहाँ कैसे करना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो न्यू राइडर है, जो बिगिनर राइडर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्लच एंड थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन बनाने में। तो हमें जो है ये क्लच एंड थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन अलग अलग पोजिशन में कुछ अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। सबसे पहले जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं उस टाइम एक तरीके से, जब हम गियर अप शिफ्टिंग करते हैं उस टाइम एक तरीके से, जब हम गियर डाउन शिफ्टिंग करते हैं उस टाइम एक तरीके से, और जब हम ट्रैफिक में या फिर टर्निंग में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कुछ अलग तरीके से जो हमें ये करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में ये चारों चीज़ों को मैं एक साथ डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपका जो है सारा कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक राइडिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में जो है वीडियो चैनल में रेगुलरली आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग में जो न्यू राइडर है, जो बिगनर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्लच एंड थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन बनाने में, जिससे क्या होता है बाइक का स्टार्ट जो है वो बार बार बंद कर बैठते हैं। जितना भी चाहे धीरे धीरे क्लच को छोड़ लो, फिर भी जो है वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, जब हम बाइक स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम हमें क्लच एंड थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है? तो देखिए दोस्तों, करना हमें क्या होता है कि थ्रॉटल जो है हमें धीरे धीरे बढ़ाना होता है और क्लच जो है हमें धीरे धीरे छोड़ना होता है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ ऐसे ऐसे, थ्रॉटल बढ़ाओ क्लच छोड़ो, क्लच दबाओ थ्रॉटल कमाओ, थ्रॉटल बढ़ाओ क्लच छोड़ो, क्लच दबाओ थ्रॉटल कमाओ, ये चीज़ जो है हमें मसल मेमोरी बिल्डअप करना होता है। लेकिन जो न्यू राइडर है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि थ्रॉटल वो कभी ज़्यादा दे बैठते हैं, कभी कम दे बैठते हैं, और क्लच को कभी जल्दी छोड़ देते हैं, कभी स्लो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाइक का स्टार्ट बंद हो जाता है। तो बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है जब स्टार्टिंग में हमें कॉम्बिनेशन इस तरीके से करना है, जो एकदम बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए थ्रॉटल जो है हल्का सा आप ओपन करके रखो, एकदम 10% 5% से लेकर 10% थ्रॉटल को ओपन करके रखो, फिर जो है आप क्लच को धीरे 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 छोड़ो, आपका बाइक का स्टार्ट जो है कभी बंद नहीं होगा। एकदम स्टार्टिंग में ये करना है जब आप बाइक को स्टार्ट करके छोड़ रहे हो, ठीक है दोस्तों? थ्रॉटल को हल्का सा ओपन करके रखो, फिर जो है क्लच को आप धीरे धीरे छोड़ो, और आप नोटिस करोगे कि एक पोजिशन के बाद जो है बाइक धीरे धीरे पुश कर रहा है, तो आप क्लच को धीरे धीरे पूरा छोड़ दो, ठीक है? तो ये हो गया दोस्तों स्टार्टिंग में हमें किस तरीके से कॉम्बिनेशन करना है। देखिए दोस्तों, ये मैं एकदम बिगिनर के लिए बताया। नॉर्मली करना होता है कि थ्रॉटल को धीरे धीरे ओपन करो एंड क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, ये दोनों चीज़ एक साथ करना होता है, लेकिन न्यू राइडर ये कर नहीं पाते। कुछ दिन अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने के बाद जो है जब हैबिट हो जाएगा तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो, एक साथ थ्रॉटल को थोड़ा थोड़ा ओपन करते रहो और क्लच को थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो, ये दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हो, ठीक है? ये दोस्तों हो गया स्टार्टिंग का पोजिशन। अभी चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके बता दें कि गियर शिफ्टिंग, जब हम अप शिफ्टिंग करते हैं तो अप शिफ्टिंग करते टाइम हमें किस तरीके से जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा बाइक जो है फर्स्ट सेकंड गियर में चल रहा है, ठीक है? अभी जो है हमें गियर अप शिफ्टिंग करना है। तो अप शिफ्टिंग करते टाइम हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें थ्रॉटल को डाउन करना है और क्लच को दबाना है, ठीक है? देन जो है हमें गियर को अप शिफ्ट करना है एंड उसके बाद थ्रॉटल धीरे धीरे फिर से ओपन करना है और धीरे धीरे क्लच को फिर से छोड़ना है। ये दोनों चीज़ जो है ना एक साथ कॉम्बिनेशन करना होता है। और होता क्या है, थ्रॉटल को हम गलत तरीके से कभी कभी पकड़ते हैं, जिसके वजह से जो न्यू राइडर है वो थ्रॉटल को बहुत कम ज़्यादा कर बैठते हैं, ठीक है? तो उसके वजह से बाइक में झटका आता है, इंजन में आवाज़ आता है, स्टार्ट बंद हो जाता है। तो थ्रॉटल को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पकड़ना भी ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल में वीडियो है, थ्रॉटल को किस तरीके से पकड़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से पकड़ते हैं, कुछ लोग एकदम नीचे करके हाथ पकड़ते हैं, तो दोनों ही गलत है। आपको एकदम रिलैक्सली एकदम 90° एंगल में हैंडल के साथ पकड़ना है इस तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। स्लाइटली एकदम जेंटली आपको ओपन करना है और उसके बाद ही क्लच को छोड़ना है, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से मैं अप शिफ्टिंग दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें अप शिफ्टिंग करना है, अप शिफ्टिंग के टाइम किस तरीके से हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अभी बाइक मेरा थर्ड गियर में है, तो अप शिफ्टिंग करना है तो मुझे थ्रॉटल सबसे पहले
ज़ीरो कर देना है, क्लच को दबाना है, एंड गियर उसी टाइम जो है आप शिफ्ट कर देना है, एंड छोड़ते टाइम हमें थ्रॉटल को सबसे पहले थ्रॉटल को हल्का ओपन करना है, फिर जो है क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, आप पहले ही अगर क्लच छोड़ दोगे तो गट 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 करके आवाज़ करके बंद हो जाएगा बाइक। ठीक है, तो थ्रॉटल को हल्का सा ओपन करना है और फिर जो है क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, तो कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से बन जाएगा, गियर अप शिफ्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी बात करेंगे गियर डाउन शिफ्टिंग के बारे में। जब डाउन शिफ्टिंग करते हैं तब हमें किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा बाइक जो है फिफ्थ गियर में चल रहा है, तो अभी हमें डाउन शिफ्टिंग करना है। तो सेम चीज़ डाउन शिफ्टिंग के टाइम करना है, हमें थ्रॉटल सबसे पहले हमें जीरो करना है, थ्रॉटल को कम कर दिया, क्लच को दबा दिया और हम गियर को डाउन शिफ्ट कर दिया। डाउन शिफ्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, आरपीएम कम हो जाने की वजह से हमें दोस्तों थोड़ा सा ब्लिप करना होता है, इसे थोड़ा सा हम ब्लिप कर देंगे और उसके बाद अगर हम क्लच को छोड़ेंगे तो ये रैब मैचिंग हो जाता है। ठीक है, और रैब मैचिंग हो जाने से क्या होता है, बाइक में जो झटका है ना वो झटका नहीं लगता है। तो चलिए, अभी मेरा बाइक जो है फोर्थ गियर में है, तो हम डाउन शिफ्टिंग करेंगे। थ्रॉटल को हमने ज़ीरो किया, क्लच दबाया और डाउन शिफ्ट किया। ठीक है, सेकंड गियर में डाल दिया डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम जब क्लच को छोड़ेंगे तो थ्रॉटल जो है हमें थोड़ा सा ब्लिप करना है और क्लच को छोड़ना है, तो इससे क्या होगा, हमारे बाइक में इंजन ब्रेकिंग नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी बहुत ही प्रैक्टिस की काम है, एकदम प्रिसाइज तरीके से करना होता है रैप मैचिंग, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंजन में आवाज़ आने लगेगा, तो ये स्किल की बात है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आप स्किलफुल इसको कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, जो लोग बिगिनर हैं, जो नया नया बाइक चलाना सीख रहे हैं, उनके लिए जो है रेब मैचिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही प्रिसाइज स्किल है, बहुत ही प्रैक्टिस के बाद ही रेब मैचिंग कई लोग कर पाते हैं। तो पहले पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग बस ये ध्यान रखो कि गियर डाउन शिफ्टिंग के बाद जब आप क्लच छोड़ रहे हो तो वेरी केयरफुली जो है क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, एंड थ्रॉटल को जो है स्लाइटली ओपन करके रखना है। इससे जो है आपके बाइक का स्टार्ट बंद नहीं होगा और आपके बाइक में जो इंजन ब्रेकिंग भी नहीं लगेगी। ये हो गया डाउन शिफ्टिंग के टाइम किस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अभी जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जब हम ट्रैफिक में या फिर टर्निंग में, स्लो स्पीड टर्निंग में जब हम बाइक को टर्न लेते हैं, उस टाइम हमें किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा और चीज़ें जो है आप लोगों को डिटेल में बताना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर रोकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम स्लो स्पीड में टर्निंग लेते हैं या फिर स्लो स्पीड में बाइक को ट्रैफिक में चलाते हैं, तब हमें क्लच का फ्रिक्शन जोन जो है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होता है। फ्रिक्शन जोन क्या है, अभी क्लच को हमने फुल दबा दिया, बाइक को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में डाले, और फर्स्ट गियर में डालने के बाद जब हम क्लच को छोड़ रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद जो है बाइक आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, एक पॉइंट के बाद बाइक आगे की तरफ पुश करता है, तो वो जो पॉइंट है जहाँ से बाइक आगे की तरफ पुश कर रहा है उसको एंगेजमेंट पॉइंट कहा जाता है, और उस एंगेजमेंट पॉइंट से लेकर जब आप क्लच को छोड़ रहे हो तो ये जो पोजीशन है इसको फ्रिक्शन जोन कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम ट्रैफिक में या फिर स्लो स्पीड में बाइक को टर्निंग लेते हैं तो उस टाइम क्या करना होता है दोस्तों, हमें बाइक को नेचुरली फर्स्ट या सेकंड गियर में जो है चलाना होता है, तो उस टाइम क्लच को हमें किस तरीके से कॉम्बिनेशन करना होता है। देखिए तो क्लच एंड थ्रॉटल को किस तरीके से कॉम्बिनेशन करना होता है, क्लच को जब हम बाइक को स्लो करना चाहते हैं तो क्लच को जस्ट एंगेजमेंट पॉइंट के आगे तक दबाना है। ठीक है, एंड थ्रॉटल को उस टाइम ज़ीरो करना है, एंड जब भी हमें थोड़ा सा बाइक को आगे बढ़ाना है, स्पीड लेना है, तो क्लच को हमें एंगेजमेंट पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा आगे तक छोड़ना होता है। ठीक है, और थ्रॉटल को जो है दोस्तों, इस वक्त थ्रॉटल को आप हल्का सा ओपन करके होल्ड करके यही बेहतर होगा, बहुत कम ज़्यादा अगर करोगे तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ट्रैफिक में एंड स्लो स्पीड में टर्निंग लेते टाइम ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, एंगेजमेंट पॉइंट के जब आपको बाइक स्लो करना है तो क्लच को जस्ट एंगेजमेंट पॉइंट के आगे तक दबाओ, एंड जब आपको बाइक थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो क्लच को जस्ट एंगेजमेंट पॉइंट के आगे तक छोड़ो। दोस्तों ये हाफ क्लच नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाफ क्लच है, हाफ क्लच नहीं है दोस्तों, हाफ क्लच से थोड़ा आगे, हाफ क्लच से थोड़ा बाद। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये करते टाइम अगर कभी कभी आपके बाइक में हाफ क्लच होता भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाइक जो है आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो, फर्स्ट गियर में हाफ क्लच में उतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, एंड नुकसान तब होता है जब आप मिस्टेक करते हो हाफ क्लच करते टाइम, जब आप रियर ब्रेक दबाते हो। हर वीडियो में बताता हूँ कि हाफ क्लच करते टाइम अगर आप रियर ब्रेक दबाए हुए हो, इससे जो है बाइक में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो ध्यान रखना चाहिए, रियर ब्रेक से पैर हटाना है, उसके बाद ही जो है आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लच एंड थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन हमें किस तरीके से बनाना है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से राइडिंग कर पाओ और बाइक का भी कुछ नुकसान ना हो।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा सा भी कुछ सीख पाए वीडियो से, तो प्लीज़ मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे विनती करूँगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी नए नए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।